खबर मिल रही है कि ललन सेन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और अंदर खाने से जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक वोटिंग के बाद नीतीश कुमार दिल्ली का रुख कर सकते हैं। बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ ललन सेन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे और अंदर से हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार कल के मतदान के बाद दिल्ली जा सकते हैं। बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है, समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और ललन सेन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह जुड़ रहे हैं। अमित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ललन सेन और उमेश कुशवाहा के साथ मुलाकात की बात सामने आ रही है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल दीपक, ये अभी से कुछ समय पहले ललन सिंह जो है, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, चुनाव में काफी व्यस्त रहे, चूंकि मुंगेर में जो चुनाव था वहां पे प्रत्याशी रहे, तो काफी दिनों के बाद ये मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल ही दिल्ली जाना है, इस तरह जिसकी जानकारी मिल रही है। उससे पहले ललन सिंह अभी मुख्यमंत्री आवास में है, उनसे मुलाकात चल रही है और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के उमेश कुशवाहा भी है, तो पिछले आधे घंटे से ये मुलाकात चल रही है और 10 जो एक अन्य मार्ग है वहां पे मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात चल रही है और कल ये जानकारी मिल रही, कल सुबह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोटिंग करके वो दिल्ली रवाना होंगे और अभी कुछ देर पहले ये पहुंचे। तो ललन सिंह के साथ जो नीतीश कुमार की एक रणनीति बनती है, एक काफी गहरी दोस्ती के साथ साथ पार्टी में काफी मजबूत उनकी एक पकड़ रही है, तो हर चीज को लेकर काफी बारीकियों से ये लोग आपस में बात करते, आगे के संगठन और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि चुनाव के आखिरी चरण के ठीक पहले ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात चल रही है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी है। दीपक, चलिए नजर बनाए रखें हमें, इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद।